साथियों अस्सलाम वालेकुम, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आपने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का जो अभी 2021 और 22 का नोटिफिकेशन आया है इसको आपने देख ही लिया होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको जाकर एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। और अगर आप अदरवाइज पॉलिटेक्निक है, एमए है, बीए है, बीएड है और अदरवाइज जितने भी कोर्सेज हैं क्या उसकी कब तक अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें मैंने उस पर डिस्कशन किया है, बहुत ही कंप्लीट वीडियो है, उसको आप जाकर एक बार देख लेंगे। आज के इस वीडियो में हम जो आपको डिस्कशन करने वाले हैं वो है मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो बीएड का क्या है सिलेबस उर्दू सब्जेक्ट के लिए। पहले ही मैं साथियों आपको ये कर दूं, उर्दू सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूं तो क्या है उर्दू सब्जेक्ट का सिलेबस, उस पर डिस्कशन करना चाहूंगा। मैं आपको दो चीजें बता दूं कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में दो टाइप के पर्चा होते हैं हर कैंडिडेट के लिए। बीएड का अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको दो टाइप के पर्चा होगा, पर्चा जो होगा पर्चा दोम साथियों, एक पर्चा होता है अव्वल, एक पर्चा अव्वल और एक होता है पर्चा दोम। उससे पहले आप एक चीज और समझिए, टोटल जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, और सारे जो क्वेश्चन होंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू यानी मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन यानी मारूजी सवालात, जिसको ऑब्जेक्टिव सवालात कहते हैं, जिसके चार ऑप्शन होते हैं, उस चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। अच्छा, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन पर 1 मार्क आपको मिलेगा, निगेटिव मार्किंग तो वहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। खुलासा यह मिला कि 100 नंबर के सवालात होंगे और हमको टोटल 100 नंबर जो एमसीक्यू होगा, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, जो गलत कर देंगे तो उसके बाद हमारा कोई नंबर उंबर नहीं कटेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, टाइमिंग आपको 1 घंटा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं साथियों, आपके दो पेपर होते हैं, उसमें पेपर एक ही होता है, एक ही पेपर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट वन होता है और एक पार्ट टू होता है। तो पार्ट वन को हम लोग जिसको के हिस्सा अव्वल बोलते हैं, पेपर वन बोलते हैं। ये पेपर वन अगर आप बीएड का फॉर्म भरेंगे तो आप मैथ से रहिएगा या सोशल स्टडीज से रहिएगा या उर्दू से रहिएगा, 3 चीज में फॉर्म भरता है वहां पे, मैथ उर्दू सोशल स्टडीज, तो इस तीनों में से हर एक कैंडिडेट को इस पेपर से गुजरना होगा, पेपर वन से। ठीक है, किसी से भी आप भरिएगा। तो पर्चा अव्वल जो है ये 50 नंबर का रहता है, ध्यान दीजिएगा, 50 नंबर में आपको जीके जो है ये 10 नंबर का होगा, जिसे के उमूमी मालूमात कहा जाता है उर्दू के अंदर, जनरल नॉलेज जिसे आप बोलते हैं। उसके बाद जनरल उर्दू ये 10 नंबर का होगा। जनरल उर्दू पता है क्या होता है, जनरल उर्दू के अंदर ग्रामर वगैरह ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका 10 नंबर का होगा। उसके बाद ये सभी को देना होगा जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश भी आपके 10 नंबर के होंगे, ये भी साथियों सभी को देना होगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके तदरीसी रुझान जिसे कहते हैं, और ये भी आपका 10 नंबर का होगा। मेंटल एबिलिटी, जिसे आप जहनी सलाहियत या जिसे आप फिर रीजनिंग कहते हैं, वो भी 10 नंबर का होगा। तो ये टोटल 5 पेपर जो है, जीके, जनरल उर्दू, जनरल इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, ये 5ों पेपर जो है हर उस कैंडिडेट को देना होगा जो मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीएड का फॉर्म भरे हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स से हो या फिर उर्दू से हो या सोशल स्टडीज से हो। ठीक है, पेपर वन ये सभी को देना होगा, ये 50 नंबर का होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पेपर टू का, तो पेपर टू में साथियों क्या होता है कि पेपर टू किसको किसको देना होता है, ध्यान दीजिएगा, पेपर टू भी 50 नंबर का होता है, जिसको पर्चा दोम कहते हैं। जिस सब्जेक्ट से बीए किए हो उसी नंबर, उसी से 50 नंबर के सवालात पूछे जाएंगे। इसको आप इस तरह समझ लीजिए, अगर आपने उर्दू में फॉर्म भरा है उर्दू बीएड के लिए, तो आपको जो उर्दू अदब है, उर्दू अदब से 50 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी 50 क्वेश्चन होगा। अगर आपने मैथमेटिक्स में भरा है तो मैथ से जो है 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सोशल स्टडीज से आपने भरा है तो सोशल स्टडीज के 50 नंबर के होंगे। यानी जिस सब्जेक्ट से आप बीएड करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के 50 नंबर के सवालात होंगे। तो आई होप के साथियों आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट सिलेबस को समझ गए होंगे। आपने क्या समझा, टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 50 नंबर का,
पेपर टू भी 50 नंबर का। पेपर वन में 5 सब्जेक्ट है जिसमें साथियों आपके उर्दू है, इंग्लिश है और आपका फिर क्या है जी रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है और जीके है। उसके बाद 50 नंबर आपके जो सब्जेक्ट से आप करना चाहते हैं उससे है। ये बात जानने के बाद साथियों एक अहम जानकारी आपको ये भी दे दूं कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद बीएड का अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म हमारे जीएस ऑनलाइन के ऑफिस से भरा जा रहा है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फॉर्म भरवा सकते हैं। दूसरी एक अहम जानकारी दे दूं कि इसका साथियों डेली लाइव क्लास जो है जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे साथियों चल रहा है। आप उसके लिए भी इसी नंबर पे राब्ता करके आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप बीएड उर्दू से करना चाहते हैं तो ये डेली इसके लाइव क्लासेस चल रहे हैं, आप उसमें ज्वाइनिंग होके आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और एक बात ये याद रखिएगा 31 जुलाई को आपका पेपर होना है। आज जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज आपका है साथियों 10 जून। क्या है जी 10 आपका जून है। गोया कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब 1.5 मंथ समय है और इस 1.5 मंथ में हम कैसे तैयारी करेंगे इस सभी के लिए आप जीएस ऑनलाइन से जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे और किसी का साथियों भला हो जाए। शुक्रिया।